हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये टेबल मैट बनाने का नया तरीका बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये दो कलर की ऊन ली है और इस ऊन को मैं इसमें फंदा लगा लूँगी और इसको पहली कील पे ही इस तरह से लगाना है हमें, और ये एक कील छोड़ के इस तरह से लपेट लेना है हमें। एक एक कील छोड़ते हुए चले जाना है और इसी तरह से दूसरे साइड से भी लगा लेना है। आप चाहें तो अगर आपके पास दो गोले हैं इस तरह के ऊन के तो आप डबल भी कर सकते हैं, जल्दी लग जाएगी। तो इसी तरह से मैं इसके 15 राउंड लगा लूँगी। ये देखिए, मैंने 15 राउंड लगा दिए। ये देखिए, इस तरह से लगा लिए हैं और अब हम इसमें पिंक कलर की ऊन लगाएंगे। मैंने इस तरह का टेबल मैट डिज़ाइन अपने पहले वीडियोस में बना करके बताया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को डाउट रह जाता है कि ठीक से समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं ये नया तरीका लेके आई हूँ। तो इस तरह से हम इसको लपेट लेंगे पिंक कलर की ऊन को। अब ये देखिए, हमने दोनों साइड से लपेट ली। अब हमें इसको तिरछा लगाना है, तो हमें यहाँ से ये तिरछा लगाना है जहाँ से पिंक ऊन आ रही है हमारे। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजीली और धीरे धीरे बता रही हूँ जिससे कि आपको आराम से समझ में आ जाए। ये देखिए, हमने इसको इस तरह से लगाया है कि ये पिंक वाली ऊन का फ्लावर बन रहा है ग्रीन वाले स्क्वायर में। और ये जो कलर कॉम्बिनेशन मैंने लिया है इस बार, ये बहुत ही सुंदर लग रहा था बनने के बाद में। आप भी देखिएगा तो इसको बहुत ही सुंदर लगेगा ये इस तरह का। तो इसी तरह से मैंने इसको लगा लिया। और इसके भी हम 15 से 20 राउंड लगा लेंगे। अगर आपको बहुत ही घने फ्लावर चाहिए तो आप इसमें 20 राउंड लगा लें, नहीं तो ये 15 राउंड काफ़ी हैं। मैंने इसमें देखिए 15 राउंड लगा लिए हैं इसी तरह से। अब हम फिर से ये पैरट ग्रीन कलर की ऊन को लगा लेंगे दो दो बार। इससे क्या है, ये दोनों साइड से कुछ एक जैसा हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसके दो दो राउंड इसमें लगा लेते हैं। तो मैंने ये दो दो राउंड इसमें लगा लिए। अब हम इसमें गांठे लगाएंगे। तो इसमें नया तरीका ये है कि हम जो गांठे लगाएंगे ये ग्रीन वाले में, हमें इसमें पिंक कलर की ऊन से गांठे लगानी है। हमें टोटली इसमें पिंक कलर के धागे से ही गांठे लगानी है, तो जो हमारा ये फ्लावर्स हैं ग्रीन वाले वो भी दिखने में अच्छे लगेंगे। तो जहाँ पे ग्रीन धागा आ रहा है वहाँ पे भी मैं पिंक कलर से ही गांठे लगा रही हूँ। और हमें गांठे एकदम टाइट और अच्छे से लगानी है। ये देखिए, सभी में हमें ये गांठे लगा लेनी है। इसी तरह से लगा लेंगे। तो ये देखिए, मैंने पिंक कलर के धागे से सभी में गांठे लगा ली हैं और ये देखने में ही कितना सुंदर लग रहा है। और अब हम इसको काट लेंगे। ये देखिए, तो हमें इसको ये इस तरह से बीच में से काटना है, जहाँ पे बीच आ रहा है दोनों का, तो वहीं से काटना है। तो ये फुन्ने जो हैं बड़े बड़े बनेंगे, अच्छे दिखने में अच्छे लगेंगे। तो हमें देख देख के हर कील के बीच में से इस तरह से काटना है। तो इसी तरह से हम सभी को काट लेंगे। जैसे कि हमने इसको यहाँ से काटा तो ये दोनों साइड से बराबर बराबर फुन्ने आ जाएंगे। तो इसी तरह से देख देख के हमें सभी फुन्ने काट लेने हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है बनने के बाद, निकलने के बाद। और हमने जो ये ग्रीन वाले धागे में भी पिंक कलर से गांठे लगाई थी, तो इसके जो ग्रीन फ्लावर्स हैं ये भी कुछ अलग ही लग रहे हैं दिखने में। तो ये हमारा एकदम अलग डिज़ाइन सा हो गया है।
और कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है। इधर से मैंने पिंक कलर से ही लगा दी थी तो इसलिए ये इस साइड से वैसा नहीं बना, लेकिन इस साइड से बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे तो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए या फिर इसी डिज़ाइन में, मतलब वूलन में ही नए नए डिज़ाइन के टेबल मैट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, लाइक करें। थैंक यू।